यूपीएससी जर्नी में अपने बेस को स्ट्रॉन्ग करना है तो एनसीईआरटीज को रेफर करना होगा। ये कैसा फैक्ट है, मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स नो दैट, लेकिन करता शायद आप में से कुछ लोग कहने वाले थे कोई नहीं, लेकिन बता दूं टॉपर्स डू दैट, सिंसियर एस्पिरेंट्स डू दैट। हम बात करेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट एनसीईआरटीज की। सबसे पहले हिस्ट्री, 9th और 10th की एनसीईआरटी थोरली रीड करनी है आपको वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए, 11th एंड 12th एंशिएंट मिडिवल एंड मॉडर्न के लिए, ज्योग्राफी के लिए 11th एंड 12th, पॉलिटिकल साइंस एंड सोशियोलॉजी सबको रेफर करनी है 11th एंड 12th के लिए, पॉलिटिकल इश्यूज, पॉलिटी के जो न्यूएंसेस हैं, कांसेप्ट्स हैं, उसकी क्लैरिटी के लिए जरूरी है ये। नाउ इकोनॉमी के लिए 11th एंड 12th की मैक्रो इकोनॉमी वाला पार्ट, बायोलॉजी 12th क्लास एनसीईआरटी, कारण क्योंकि जो साइंस एंड टेक में जेनेटिक्स एनवायरमेंट से रिलेटेड इश्यूज हैं वो इसमें अच्छे से बेस को डील किया गया है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।